जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं देश के एक प्रमुख संस्थान IIITM से एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूं और बचपन से एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूं। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष की यह विद्या केवल वर्षों के अध्ययन के बाद ही साधी जा सकती है, जो कि किसी भी ढोंगी पाखंडी के बस की बात नहीं है। ये केवल आपको लूट सकते हैं, आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 25 फरवरी 2019 दिन सोमवार, माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज सप्तमी तिथि सुबह 4:47 तक रहेगी और उसके पश्चात अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 8:16 से लेकर 9:42 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आपको नौकरी ना मिल पाना, व्यापार में लॉसेस या बार बार व्यापार बदलने की नौबत आना, विवाह में देरी, गृहस्थ जीवन में कलेश, या आपके बच्चों का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ जाना, या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, इन सब समस्याओं से आप पीड़ित हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्या में फायदा महसूस होगा। मैं एक दिन में केवल 2 ही कुंडलियां देखता हूं, इसलिए असुविधा से बचने के लिए अपना अपॉइंटमेंट एडवांस में ही बुक करा लें। आज मैं उन सभी लोगों के लिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जो नौकरी ना मिल पाने के कारण परेशान हो। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यदि आप इस उपाय को जानना चाहते हैं तो लास्ट तक मेरा ये वीडियो देखते रहें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप ऊपरी तौर पर तो शांत प्रतीत होंगे, परंतु आपके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा होगा। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए आज आप मेडिटेशन का सहारा लें। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। आज भ्रमित होकर आप गलत डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपको घाटा हो सकता है। इसलिए आज आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा वो डूब जाएगा। आज आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब होने से आपको डॉक्टर्स और केमिस्टों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जिसमें आपका धन और समय दोनों व्यर्थ होंगे और आपकी मानसिक चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। आज आपको अपने घटते बैंक बैलेंस की चिंता भी सताएगी। परंतु अगर स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो आज वो काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आराम से समझने के कारण आज आप बड़ी आसानी से मुश्किल सवाल भी हल कर लेंगे, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। आज आप चांदी की गोली पॉकेट में रखते हैं तो इससे आपके पैसों में बरकत होगी। आज नहाने के पानी में गंगा जल मिलाने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। भी व्यक्तियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने अड़ोसियों से, अपने पड़ोसियों से, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, ताकि हमारे सनातन हिंदू धर्म की ये ज्ञानवर्धक बातें हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंच सकें, जिससे कि आपका जीवन सौभाग्यशाली हो।
धन धान्य से परिपूर्ण हो और आप और आपके मित्रगण ऐसे पोंगे पंडितों, ढोंगियों, पाखंडियों से सावधान रहें और उनसे बच सके। क्या आप जानते हैं कि राशि या राशिफल देखने का सही तरीका क्या है? क्या आप यूरोपियन पैटर्न के हिसाब से अपना राशिफल देखते हैं, जिसके अनुसार सूर्य एक राशि में एक महीने तक वास करता है? उदाहरण के तौर पर सूर्य मकर संक्रांति से लेकर 13 फरवरी तक मकर राशि में वास करता है। तो क्या मकर राशि वाले सभी लोगों को इसी से अपना राशिफल देखना चाहिए? नहीं, यह सही तरीका नहीं है। अगर यह तरीका सही होता तो 133 देशों के जो लोग हैं वो गुरुजी के पास क्यों आते? क्यों वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सभी परेशानियों के लिए हिंदुस्तान की ओर ताकते? हर विदेशी व्यक्ति क्यों हर एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए हिंदुस्तान की ओर खींचा चला जाता है? इसका कारण है हमारे ऋषि मुनियों का वैदिक ज्ञान। इसके अलावा जो लोग हैं वे अपना राशिफल चंद्र राशि के अनुसार भी देखते हैं, जिसके अनुसार चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक वास करता है। जिन लोगों को अपना जन्म स्थान, जन्म समय या जन्म की तारीख नहीं मालूम है, वे राशियों के नीचे आ रहे जो प्रथम अक्षर हैं, वे अपने प्रचलित नाम के प्रथम अक्षर से मिलाकर अपना राशिफल देख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज आप तो अपने मित्रों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, परंतु आपके मित्र आपको धोखा देकर आपके पैसे ठगने की योजना बना रहे होंगे। इसलिए अपने मित्रों की किसी भी बात पर आंख मूंद के भरोसा ना करें और उनको आज पैसे उधार देने से भी परहेज करें। आज आपके भाई को कोई मौसमी बीमारी लग सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। यदि आज स्टूडेंट्स का कोई डिबेट कॉम्पिटिशन है तो आज वे कॉन्फिडेंस लूज करके बीच में ही ब्लैंक हो सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारियों को बेहतर करें। आज व्यर्थ की मानसिक चिंताएं आपको घेर लेंगी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा और आपका खाना खाने का भी मन नहीं करेगा। आज ऐसा हो सकता है कि आपकी मेहनत के अनुकूल आपको सफलता ना प्राप्त हो, परंतु आप निराश ना हो और कभी भी मेहनत करने से पीछे ना हटें। यदि आप अपने पिताजी या दादाजी के नाम पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो आज आपको विशेष धन प्राप्ति होगी। आज आप किसी भी हालत में अपने घर का सोना ना बेचें, इससे आपके घर में कंगाली छा जाएगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके ससुराल वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपके ससुराल पक्ष के किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे परिवार की समाज के सामने किरकिरी हो सकती है। यदि पिछले कई दिनों से आप अपनी आईज में स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं तो आज आप इसे हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर्स की सलाह लेकर अपनी आईज का टेस्ट कराएं। इसी संदर्भ में मेरी आपको यह सलाह है कि हर समय मोबाइल में लगे रहना छोड़ दें, इससे आपकी आंखें तो कमजोर हो ही रही हैं और आपकी सोच का दायरा भी कम होता जा रहा है, जो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है और आप पूर्ण रूप से अपने गैजेट्स पर डिपेंड होते जा रहे हैं। मोबाइल और दूसरे गैजेट्स को केवल जरूरत भर उपयोग करें और हर समय स्क्रीन से चिपके रहने के आपके इस आदत को तुरंत छोड़ दें, ये आपके लिए हर तरीके से नुकसानदायक है। आज वर्क प्लेस पर आपके लिए दिन शुभ नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य आप आज करना चाहेंगे उसमें कोई ना कोई बाधा आएगी। जल्दबाजी के चक्कर में आप अपने बने बनाए काम भी बिगाड़ सकते हैं, इसलिए पेशेंटली अपना काम करें। आज आपको किसी अच्छी पार्टी का इनविटेशन मिल सकता है या आपके दोस्त आज आपको डिनर पर इनवाइट कर सकते हैं। आज आप लंगर ग्रहण करने से परहेज करें। आज पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाने से आपको अपने व्यवसाय में शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। शक और क्रोध का कॉम्बिनेशन आज आपको तबाह कर सकता है, इसलिए आज आपको अपने विचारों और एक्शंस दोनों पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। गृहस्थ जीवन के लिए तो ये दोनों और भी ज्यादा खतरनाक है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ आज झगड़ा होने से आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने पार्टनर के साथ तोल मोल कर ही बातें करें और उनको उनकी पर्सनल स्पेस दें और एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करें। याद रहे, आज बेवजह शक करने से आप दोनों के संबंध टूटने के कगार पर पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में आए दिन दिक्कतों का सामना करते हैं और आपका अपने पार्टनर के साथ मन मुटाव ही बना रहता है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए नंबरों पर हमें संपर्क करें।
और मुझसे यानी कि स्वामी राजऋषि से अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आज आप नीले वस्त्र धारण करने से परहेज करें। आज आप अपने पुराने कपड़े किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दें, इससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपकी फिजूल खर्ची ही आपकी परेशानियों की जड़ बनेगी, क्योंकि आप बिना सोचे समझे ही ऑनलाइन डिस्काउंट देखकर सामान खरीद लेते हैं, फिर चाहे वह सामान आपके काम का हो या ना हो। इस फिजूल खर्ची को आपको तुरंत बंद करना चाहिए और अपनी मेहनत से कमाए धन को सही दिशा में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज आपको अपने सीने में दर्द महसूस हो सकता है और आपका पेट खराब भी हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखें। आज शेयर बाजार में किया हुआ सावधानी पूर्वक आपका इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में चलकर उचित लाभ पहुंचाएगा। आज यदि आप अभिमान करते हैं और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो आज आपका लोगों से झगड़ा हो सकता है, वे लोग जीवन भर आपके शत्रु भी बन सकते हैं। आज प्रातः काल उठकर पवित्र होकर मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। चांदी का हाथी घर में लाकर मंदिर में रखने से आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज यदि आप ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और कोर्ट तक जाने की नौबत आ सकती है, इसलिए आज सभी ट्रैफिक रूल्स का दृढ़ता से पालन करें। परंतु यदि किसी अदालती मुकदमे में आज आपका फैसला आने वाला है तो फैसला आज आपके पक्ष में आ सकता है। आज आपके पिताजी का भाग्य मंदा रहने की संभावना दिखाई दे रही है और उनके कार्य में आज अड़चने भी उत्पन्न हो सकती है। आज आप जुआ, सट्टा बाजार, शेयर बाजार इत्यादि से दूर रहें, यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज आप इन चीजों में अपना धन गवा सकते हैं। आज वर्क प्लेस पर आपके सहकर्मी ही आपके पीठ में छुरा घोंप सकते हैं और आपके पीठ पीछे बॉस के सामने आपको ही कंपनी में आ रही हर समस्या की जड़ बता सकते हैं, इसलिए आज आप अपने सहकर्मियों से सावधान रहें और खुद ही बॉस को अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस देने के लिए अप्रोच करें। आज आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और लहसुन और प्याज का उपयोग ना करें। आज गले में सोने की चेन धारण करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। प्रिय भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु कुमार रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, धर्म कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज वर्क प्लेस पर आपका परिश्रमी और मेहनती स्वभाव आपको सभी सहकर्मियों के बीच प्रशंसा का पात्र बनाएगा और आपको बॉस से भी वाहवाही मिलेगी। आज आपकी किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है जो सदैव आपके काम आएगा और जीवन भर आपको आगे बढ़ने के चांसेस प्रोवाइड कराता रहेगा। आज आपकी अपने भाइयों से अनबन हो सकती है और बेवजह के विवाद से आप दोनों के रिश्तों में खटास आ सकती है।
स्टूडेंट्स भी आज व्यर्थ में क्रोधित होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जिस कारण उनको तनाव हो सकता है। उनके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के इजी सवालों को भी हल ना कर पाने के कारण आज वो इरिटेट हो सकते हैं। मेरा स्टूडेंट्स को ये सुझाव है कि यदि वे लगातार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके परिश्रम के अनुकूल उनको फल प्राप्त नहीं होते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और जो भी एग्जाम्स आप जीवन में देंगे उनमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। हम ये गारंटी लेते हैं कि यदि हमारे बताए उपायों को करने के बाद भी आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है तो हम आपके उपाय पर खर्च किए सभी पैसों को लौटा देंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। यदि आपके मन में आज अपने भाई से अलग होकर अपना व्यवसाय करने का विचार आ रहा है तो आप इस विचार को अपने मन से तुरंत निकाल दें, क्योंकि अभी आपके भाई का साथ ही आपकी किस्मत चमका रहा है और अलग होते ही आपके काम धंधे चौपट हो जाएंगे और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। आज आपके दादाजी का स्वास्थ्य बिगड़ने से आपकी भाग दौड़ बढ़ सकती है। आज यदि कोर्ट में आपके किसी मुकदमे का फैसला आने वाला है तो आज ये फैसला आपके विरुद्ध आ सकता है, इसलिए आप आगे की कार्रवाई की योजना बना लें। आज कमर और घुटनों में दर्द के कारण आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे। आज आपके भाग्य का सितारा भी डूबा हुआ है और अपने बने बनाए कार्य में अड़चने उत्पन्न होने से आपका धैर्य आज जवाब दे सकता है। आज आप मांस और मदिरा का सेवन ना करें। आज आप स्नान करते हुए नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करके यदि आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है तो तुरंत ही आपको एक अच्छी मनचाही नौकरी मिल जाएगी। आज आप प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर एक बेदाग नींबू लें और उसके 4 टुकड़े कर लें। उन 4 टुकड़ों को 4 दिशा में एक चौराहे पर जाकर रख दें। उसके बाद आप अपने घर को वापस लौटाएं या अपने काम पर चले जाएं, पर ध्यान रहे पीछे मुड़कर ना देखें। यदि आप इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। स्टूडेंट्स आज अपने आप को भाग्यहीन महसूस करेंगे और अपनी मेहनत का मनवांछित फल ना प्राप्त होने के कारण आज आप थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे, इसलिए आज आप पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेकर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्ट लें और पार्क में भ्रमण के लिए जाएं या अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में भाग लें। इससे आपका दिमाग फ्रेश होगा जिससे आप पुनः पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रेरित होंगे। परंतु बिजनेसमैन के लिए आज का दिन खास है। आज आपकी बिजनेस ट्रिप सक्सेसफुल होंगी और आपके व्यवसाय का टाई अप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में जुड़े हुए लोगों को भी आज भारी मुनाफा होगा और आज वे खूब धन कमाएंगे। आज रात्रि में आप तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने के पास रखें और प्रातःकाल उठकर उस पानी को पीपल के जल में चढ़ाएं। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज बिल्लियों को दूध पिलाने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके ससुराल पक्ष से आपको कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। आज आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। आज उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। सर में दर्द या अन्य किसी समस्या के कारण आज उनके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ सकती है, इसलिए आप उनका ध्यान रखें और उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। यदि आपने पुलिस में नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है तो आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, और यदि आज आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आपका दिन शुभ है और आपको ये नौकरी अवश्य मिल सकती है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को आज समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने से पब्लिक के सामने उनकी इमेज बेहतर होगी, जिससे आने वाले चुनावों में उनको फायदा होगा। यदि आज आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर गौदान करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा और आपके पार्टनर का स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। स्टूडेंट्स का स्वास्थ्य खराब होने से आज वे पढ़ाई को समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज आपकी कमर
पीठ या सर में दर्द हो सकता है, जिससे आपको बिस्तर पर ही सारा दिन बिताना पड़ सकता है। आज आपके चाचा जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। आज आपको अपने सगे संबंधियों की नजर भी लग सकती है। यदि आपके बच्चे विदेश जाकर पढ़ने का मन बना रहे हैं, तो आज आपके द्वारा इस दिशा में उठाया गया कोई भी कदम आपके और आपके बच्चों के लिए शुभ होगा। आज यदि आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो उसमें आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे और आपको इस परेशानी से बाहर निकाल लेंगे। समाज सेवा में कार्यरत लोगों को भी आज मान सम्मान प्राप्त होगा और आज धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन पर खर्च करने से आपके धन के भंडार में वृद्धि होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। आज कांच की गोली जेब में रखने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके खर्चे कम होंगे। आज भाइयों से लड़ना आपको भाग्यहीन बना सकता है। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप अपने आप को ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। आज आप वर्क प्लेस पर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देंगे, जिससे आपकी रेपुटेशन आपके सहकर्मियों के बीच बढ़ जाएगी। वर्क प्लेस पर सभी हालातों के शांतिपूर्ण बने रहने से आज आप अपने कार्यों में रुचि ले पाएंगे और यदि आपके प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत डिले हो भी गया था तो आज आप उसे कैचअप कर लेंगे। आज समाज सेवकों को सरकार की ओर से अपने कार्यों के लिए कोई मान सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है, परंतु आज आपके किसी सगे संबंधी के बीमार होने की खबर आपको प्राप्त हो सकती है। परंतु स्टूडेंट्स आज किसी न किसी कार्य में बिजी रहेंगे, जिससे आज वो अपनी पढ़ाई को समय नहीं दे पाएंगे। आज काले कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पूर्व मंदिर जाकर माथा अवश्य टेके, इससे आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। क्या आपके जीवन में धन की कमी है? क्या पैसों की तंगी के कारण आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है? क्या पैसे कमाने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं बचता? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें